क्लास में बैग खाते हुए आ गए। अभी अभी गोप्रो कैमरा गिरा है और अभी गोप्रो कैमरे का जो माउंट है वो टूट चुका है, तो अभी हम वाइल्ड राइडिंग अभी हेल्ले तक तो शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना हम शूट करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे। सो गंदे वाली ठंड है भाई, गंदे वाली। एक्चुअली उमलिंगला पास में स्नोफॉल जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया और जो हमारा फोर्थ बाइकर था फेलो राइडर वो भी अभी साथ में यहाँ तक तो आ गया है और अभी आगे इनका मन नहीं है जाने का, तो ये यहाँ से वापसी कर रहे हैं और हम जो तीनों हैं यहाँ से अभी आगे डैम चौक की तरफ जाएंगे और स्नोफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमें वापसी रिटर्न भी मारना है। सो इस वक्त हम डैम चौक के एरिया में हैं और यहाँ से जो डैम चौक है वो 9 किलोमीटर है एंड दिस इज़ माय बाइक। और सबसे जो मज़े की बात है वो क्या है, वो ये है कि ये जो माउंटेंस हैं ये तिब्बत में आते हैं और इसे चाइना होल्ड करता है, और अगर आप देख पाएँ तो वो एक रिवर फ्लो हो रही है, पीछे से आ रही है, तो इस रिवर के इस साइड जो है वो चाइना ने अपने पोस्ट जो है वो लगाई हुई है और इस साइड जो है वो इंडिया है, और उसी तरीके से इंडिया के यहाँ इस साइड जो है वो बंकर्स बने हुए हैं। सो दिस इज़ चाइना, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ इंडिया। सो उस रिवर के जो परली तरफ है वो चाइना होल्ड कर रहा है और हम यहाँ से अभी आगे डैम चौक जो है वो होकर आए हैं, लेकिन विलेज के 2 किलोमीटर पहले ही आर्मी की पोस्ट है जिसके आगे सिविलियंस को अलाउ नहीं है और सिर्फ लोकल वाले वहाँ जा सकते हैं। सो ये डैम चौक का एरिया, बॉर्डर एरिया इंडिया चाइना का, आप लोगों तक हिली म्यूजर्स की तरफ से, और अब यहाँ से हम हेल्ले की तरफ वापसी कर रहे हैं और हेल्ले पहुँच कर आज रात को और ऑब्जर्वेटरी में क्या करने वाले हैं वो जाकर पता लगेगा। तो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से हेल्ले और फिलहाल यहाँ से चलते हैं, और क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर टाइम जो है वो जाएगा और टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त 2:05 एल्टीट्यूड 14200 का हो चुका है, तो फिलहाल चलते हैं। सो इस वक्त हम हेल्ले की ऑब्जर्वेटरी में पहुंच चुके हैं और ये वहां के कुछ एक नज़ारे हैं और 6 बजे ये बंद हो जाती है और एक्चुअली अभी टाइम हुआ है 5:30। डैम चौक से वापस आते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया और फिर भी टाइम पर पहुंच गए हैं और देखते हैं इस ऑब्जर्वेटरी में आखिर क्या है। सो दिस इज ऑब्जर्वेटरी और अच्छे खासे यहाँ सैटेलाइट सिग्नल्स लगे हुए हैं और वहाँ मौसम भी बना हुआ है, और चलते हैं ऑब्जर्वेटरी के अंदर। फाइनली आज एग्जॉस्ट हो चुके हैं बट ऑब्जर्वेटरी मिस नहीं कर सकते। Telescope.
फाइनली हेल्डे की ऑब्जर्वेटरी से अभी निकल रहे हैं और बाइक पिक करके अभी नीचे रूम में जाने वाले हैं और हेल्डे की ऑब्जर्वेटरी देखने के बाद मैं अभी होम स्टे में आ चुका हूं और अपना बाइक जो है वो मैंने पार्क लगा दिया है। प्लान अब ये है कि कल सुबह जो है सबसे पहले तो मैं 3 बजे उठने वाला हूँ, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेटरी से पता लगा है कि जो यहाँ हेल्डे का सुबह का टाइम है गैलेक्सी को देखने का, स्टार्स फॉर्मेशन को देखने का, वो सुबह 3 से 3:30 परफेक्ट टाइम है। यदि क्लाउड्स नहीं है, क्लाउड्स ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं, तो कल सुबह वो है। उसके बाद जो है वो यहाँ से हमारी रवानगी होने वाली है। रवानगी जो है उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम लेह की तरफ जाएँ, ओबशी स्टे करें और फिर नेक्स्ट डे जिस्पा के लिए प्लान करें, और एक रास्ता यहाँ से माहे से डायरेक्ट जो है वो पांग और पांग से जिस्पा, लेकिन वो स्ट्रेच थोड़ा लंबा है, तो उसकी जो प्लानिंग है वो मैं कल सुबह करने वाला हूँ। सो अभी जो टाइम है वो 7 बज चुके हैं और इवनिंग मून हेल्ले का विजिबल हो चुका है और सनसेट का टाइम है, ब्यूटीफुल वैली है। और आज सारे दिन का जो एक्सपीडिशन है आप लोगों को कैसे लगा, उमलिंगा पास कैसे लगा, डैम चौक कैसे लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। कोई भी क्यूरी है उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा, कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अप्रिशिएट किए जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो The Holy Grail, save the humanity, respect the fields, joy of nothing and stay relevant for nature. This is your Sahil from Hilly Musers. Jai Hind.